हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास ऑफ पुणे में आपका स्वागत है। मैं क्लास 5 यूनिट 2 का ब्रेन टीजर बता रहा हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैं दो पार्ट बता चुका हूँ, ये तीसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है, इससे 6 तक बता चुका हूँ मैं सेकंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट है ये, क्योंकि वीडियो कट गया था पहला वाला, और सेकेंड वाला में बहुत लंबा वीडियो हो चुका था। तो चलिए बता रहे हैं फिर, नहीं तो फिर लंबा हो जाएगा। अ डीलर परचेज 285 वाशिंग मशीन। इफ़ द कॉस्ट ऑफ वन वॉशिंग मशीन इज 9,825, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द परचेज वॉशिंग मशीन। तो कितना है दोस्तों, एक मशीन का इतना रेट है, तो इतना मशीन खरीदा है, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं कैसे, तो पहले लिख लेते हैं द कॉस्ट ऑफ वन वॉशिंग मशीन इक्वल टू है रुपी कितना 9,825। इसलिए फिर हो जाएगा, यही पार्ट लिखना है, द कॉस्ट ऑफ कितना वॉशिंग मशीन, द 285 है ना वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, इसलिए हो जाएगा वो कॉस्ट कितना 9,825 इंटू 285। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और आपको आंसर लिखना है। तो आप मल्टीप्लाई बढ़िया से करेंगे, 28,000 मैं साइड में कर किया हुआ हूँ, नहीं तो बहुत और लंबा होगा, इतना रुपया हो जाएगा, है ना। तो अब उसके बाद हम लोग लिख देंगे क्या, यहाँ बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन, बस हो गया ये। अगला बता रहा हूँ 8 नंबर, ये तो फिर पार्ट बनाना पड़ेगा, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट एंड द 3 डिजिट। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर। दोस्तों जितना डिजिट का बोलेगा ना उतना 9 भर देना, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट बनेगा। उसी तरह से फिर GREAGREATEST, ग्रेटेस्ट कितना डिजिट, 3 डिजिट नंबर, कितना होगा जितना बोले हम, तो 3 डिजिट 3। अब क्या निकलना है, फाइंड द प्रोडक्ट, इसलिए यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। मैं इसको साइड में कर देता हूँ फिर भी, तो हम लोग 9,999, कितने 9 है 5, उसके बाद इतना से करना 9,9। दोस्तों इसी में लगता है 20 मिनट, कहीं 10 मिनट इसी में हो जाए, 9,9 जा 81 का 1 कैरी 8, फिर 9,9 जा 81, इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके देखना है। तो मैंने वीडियो कट किया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 9,98,99,000 1 है ना, उसके बाद 1 आएगा। दोस्तों इसको मल्टीप्लाई जो करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इससे करेंगे तो यहाँ एक जीरो भरेंगे, फिर इससे करेंगे तो यहाँ जीरो भरेंगे, है ना, उसके बाद ऐड करेंगे, ऐसा आएगा। नेक्स्ट बता रहा हूँ, नेक्स्ट है 9 नंबर, एन इंजन पंप 285,000 लीटर ऑफ वाटर इन 5 आवर्स। मतलब ये 5 आवर में इतना लीटर पंप करता है इंजन, हाउ मेनी लीटर वाटर विल इंजन पंप इन 1 मिनट, एक मिनट का निकालना है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, है वाटर पंप, डब्ल्यू ए वाटर PUMPS पंप्स कितना इन 1 आवर, है ना, सॉरी 5 आवर, FIV 5HOURS, 5 आवर्स में कितना किया है 285,000, है ना, इतना लीटर है, सॉरी LITRES लिखे हैं दोस्तों। अच्छा एक चीज़ आप जान लो, यहाँ मैं कर देता हूँ, वाटर पंप हम लोग को यहाँ देखिए मिनट में निकालना है ना, तो 5 आवर को, तो सबसे पहले इसको 1 आवर में निकालना है, 1 आवर में दोस्तों, यहाँ देखिए 2,8,500/5, 1 आवर में निकालेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, मैं कैलकुलेशन भी कर देता हूँ,
तो पहले इधर से कटाते जाते हैं, अब लंबा भाग दीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 5 5 जा 25, तो यहाँ 25 अगर लेंगे यहाँ 3 बच जाएगा, 5 7 जा 35, और ये 0 3 2 है, भर दिए, ये 1 आवर का निकला। लेकिन हम लोग 1 आवर नहीं चाहिए, कितना चाहिए, 1 मिनट का चाहिए, है ना। तो ये 1 आवर, इसको हम लोग फिर लिख लेते हैं और एक तरह से, वाटर PUMPS पम्प्स, 1 आवर मतलब 60 मिनट, लिख सकते हैं कि नहीं, है ना, 60 मिनट में इतना कर रहा है। लेकिन हम लोग को कितना मिनट का चाहिए, वाटर पम्प इन 1 मिनट का चाहिए, समझ में आया। तो 1 मिनट में चाहिए, तो 5 7 0 0 0, इसका मतलब 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 60 से डिवाइड अपने कर सक नहीं सकते हैं, लेकिन एक 0 0 यहाँ कट कर देते हैं पहले, अब 6 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 0 0 कट कर सकते हैं, 5 7 0 0, तो 5 से एक संख्या लेंगे नहीं, डबल लेंगे, है ना। तो 5 9 जा 50 54, 3 होगा यहाँ 0 उतारेंगे, 5 उसके बाद 6 5 जा 30, कट गया, एक 0 बैठा हुआ था यहाँ बैठा देते हैं, तो 950, समझ में आया, ऐसा होगा। इतना क्या था, लीटर था ना, तो लीटर हो जाएगा LITRES। अगला बता रहा हूँ दोस्तों, फास्ट में बताना है इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एक ही वीडियो बनाते तो मुझे 1 घंटा का बनाना पड़ता, इसलिए अभी तक 3 वीडियो, तीसरा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे क्या, हाउ मेनी लीटर, तो हाउ मेनी इसलिए लिख देंगे यहाँ 10 THUS 10, 950 liters ऑफ वाटर। दोस्तों ये जो लिखते हैं लास्ट में, यहीं से देख के लिखते हैं, है ना, विल द इंजन पंप है ना इन 1 मिनट। अगला बता रहे हैं, कोई भी पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं मेरा आवाज़ को, तो अगर आप मुझे फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो मुझे डिस्क्रिप्शन और बैंक अकाउंट नंबर में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, अगर वहाँ से मुझे कर सकते हैं आप, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बना के आपके बच्चों के लिए प्रोवाइड करूँगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं है ना, तो प्लस है, ये भी प्लस है, इसका मतलब ये माइनस है, दोनों पहले प्लस कर लेते हैं। तो ये 5,43,86,291, इसको पहले प्लस करेंगे, यहाँ 1,09,853 प्लस करना है, तो 3 1 4 9 plus 5 14 का 4 carry 1 8 plus 2 10 1 11 का 1 carry 1 9 1 10 plus 6 16 का 6 carry 1 8 1 9 3 1 4 4 5, ये हम लोग को प्लस किए तो आया। उसके बाद ये सब्ट्रैक करना है, यहाँ फिर इसको लिख लेते हैं ये वाला को, है ना, 5,44,96,144 में कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 96,298। तो यहाँ 4 में तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, जैसे कह लेंगे तो 14 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 6, उसके बाद यहाँ 3 3 में इसे कह लेंगे 13 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, यहाँ क्योंकि कैरी दिए थे तो 0 हो गया, इससे कह लेंगे तो 10 10 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, उसके बाद यहाँ बचा 5 5 में फिर 6 निकल, इससे कह लेंगे 15 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, उसके बाद बचेगा 8 8 में 9 नहीं कटेगा, इससे कह लेंगे तो 18 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9। दोस्तों केरी वाला, हाँ 3 है, समझ में आया होगा, उसके बाद 4 5, ये सब इधर लिख दिए, तो हो जाएगा 5,43,99,846। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके पीछे मैं बहुत मेहनत करता हूँ, है ना, तो शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।